और इसके बाद वाला फुटेज थोड़ा सा स्ट्रेट में आएगा क्योंकि हेलमेट में थोड़ा सा एंगल चेंज किया था। बट इफ़ यू हैव अ टीवी तो टीवी पे ये वीडियो ज़रूर टीवी पे देखना बिकॉज इट हैज़ दैट पोटेंशियल और आपको भी ऐसा लगेगा कि आप ट्रेल में चला रहे हो साइकिल, पर्सनल फील होगा आपको। तो अगर टीवी पे देख सकते हो ये वीडियो तो टीवी पे देखना। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। विंटर सीजन चालू हो गया है, ट्रेल्स थोड़े खुल गए आफ्टर मॉनसून और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप सराउंडिंग देख ही सकते हो, इट्स लश ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब डेंस फॉरेस्ट। बारिश जस्ट हो चुकी है, नाउ विंटर इज कमिंग, थोड़े से ट्रेल साफ हो गए। अच्छा नहीं ठीक है, इट्स ओके, वी कैन टेक योर रॉ फुटेज लेंगे क्योंकि आज की पूरी साइकिलिंग भी हमारी रॉ हुई है, जो नया ट्रेल हमने ढूंढ के निकाला है और इसके बाद वाले क्लिप जो हम दिखाने वाले हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, सब्सक्राइबर्स नहीं चैंपियंस को जो दिखाने वाले हैं, उससे ज़रूर ये मोटिवेशनल व्लॉग होगा और लोग मुझे लग रहा है कि ऑफ रोडिंग में आएंगे। अमेजिंग ट्रेल चलाया आज हमने, मतलब इतने साल हम गोराई में चला रहे हैं बट ये बहुत ही अंदर के पैचेस हैं और आज जो पैच चलाया मतलब टेक्निकली बहुत ही नया था हमारे लिए और थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग था, मतलब अंदर अंदर चला के भी हमने 3 किलोमीटर का पूरा ट्रेल कवर किया था और रैंडम घूम रहे थे, टेक्निकल भी था काफी, काफी टेक्निकल था। रूट्स थे, थोड़ा सा डाउन सेक्शंस थे जहाँ पे पत्थर थे, साइड से जाना था, रॉक गार्डन था, मतलब लूज ग्रेवल्स है और जो एक ऑफ रोडिंग के लिए एक प्ले ग्राउंड होता है वैसा ही सिंगल ट्रैक का ये पूरा ट्रेल था। आप अभी भी देख सकते हो मेरे पीछे जहाँ पे मैं आया हूँ, मतलब ये तो काफी वाइड ये तो काफी हाईवे ट्रेल नहीं है बट जहाँ से हम आए थे इट इज अमेजिंग। मतलब रोहित तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है ये पूरे ट्रेल पे कैसा था? एक्सपेक्टेड नहीं था इधर ऐसा कुछ अभी चलाने मिलेगा, इतना बार राइड किया ये एरिया में समवेयर अराउंड, बट ये आज दो नए सर्किट्स मिले सो इट वॉज गुड। एंड ऐसा नहीं कि छोटे मोटे थे, क्वाइट 3 या 4 किलोमीटर्स के प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल थे, सो इट वॉज ब्यूटिफुल एंड ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता ना तो इट इज एग्जैक्टली। और तुमने देखा कि गोराई का जो पूरा एरिया अंदर से कितना कनेक्टेड है, मतलब जो ट्रेल्स है इट्स लाइक अ ब्लड वेंस, अंदर अंदर से जो पूरा कनेक्टेड है एरिया, इट्स अमेजिंग ट्रेल। मतलब अगर मुझे अभी फिर से अगर आने यहाँ पे बोलूँ तो मैं फिर से पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से घुसना है कहाँ से पर इट्स फन टू एक्सप्लोर। एग्जैक्टली, रोहित ने भी जो साइकिल चलाई ट्रेल पे, मतलब आप देख सकते हो फुटेज में। एंड तुम्हारी साइकिल कौन सी है रोहित? पॉलीगॉन एक्सट्राडा 5, बहुत ही अच्छे है और ये 1/10 फिर से कितना है? 10/10 2/10 का सेटअप है और मेरी आपको पता ही है दिस इज अ स्कॉट स्केल 940, ये है कार्बन MTB और इसका 1/12 का गियर रेशो है SRAM, बहुत ही मजा है चलाने के लिए। और यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं है बट ये वीडियो को जितना शॉर्ट रखूँगा उतना ही अच्छा है क्योंकि मुझे आपको पूरा ट्रेल जितना भी चलाया है उसका एक्सपीरियंस देना है।
सो नो मोर म्यूजिक, ज़्यादा म्यूजिक नहीं होगा, ये थोड़ा सा वॉइस ओवर है, पीछे से क्लिप चलती रहेगी और ये थोड़ा जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें। समहाउ वर्ल्डिंग में ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाएंगे, बट जो फीलिंग है अंदर से ये ट्रेल पे पूरी चलाने की वो अमेजिंग है। एंड गाइज आई रिकमेंड कि अगर आपके पास MTB है तो गोराई में आना, थोड़ा सा आज वो जो एक्सप्लोर करना, बट किसी एक्सपीरियंस राइडर के साथ आना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी है जो ट्रेस पासिंग का थोड़ा खतरा होता है और सुबह के टाइम पे लोग चिल्लाते हैं ज़्यादा। सो बी केयरफुल, अगर आना है तो किसी एक्सपीरियंस राइडर के साथ ही आना, तभी यहाँ पे आप अच्छा खासा नेचर आप घूम सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे। In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay के साथ ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही रखते हैं। क्लिप तो बहुत सारी आपने एंजॉय की होगी और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट राइड पे और ऐसे ऑफ रोडिंग के नए पैचेस पे। ठीक है रोहित, मिलते हैं, चलो बाय 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 बाय।